चलनी है। बाप बेटी कुछ नहीं बोलेंगे, हैप्पी कृष्णा, हैप्पी कृष्णा, फ्रेंड की आदत इन्हीं से। अरे बेटा राजन देख ले, ये विजयदशमी की वीडियो है जब माता जी की विदाई करते हैं। सॉरी थोड़ी सी वीडियो लेट आ रही है। माता रानी की विदाई हो और गरबा न हो ऐसे कैसे हो सकता है। नवरात्रियों में गरबा तो ज़रूर खेलना चाहिए और जिस दिन माता जी की विदाई हो उस दिन तो बिल्कुल ज़रूर। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर हम पहुंचे खाना खाने के लिए। पांडे जी ने कहा आज हमारी बेटी देखेंगी कि क्या हमें खाना है क्या नहीं, और वो मेन्यू कार्ड दोनों बाप बेटी देख रहे थे घूर घूर के। और मैं सोच रही थी भाई आगे थाली आए और हम खा के ख़त्म करें और उसके बाद मेरी बेटी का गंदा सा मुंह बनाना, रिएक्शन करना, क्योंकि मैंने बोला मुझे पता ही था कि तू यही खाना ऑर्डर करेगी और कुछ भी ऑर्डर नहीं करेगी, क्योंकि उसके ले दे के दो ही तीन चॉइस रहते और इतना गंदा मुँह बनाती है। पांडे जी को ये वाली आइसक्रीम बिल्कुल नहीं पसंद आई, तो पांडे जी आइसक्रीम को देख रहे थे, आइसक्रीम पांडे जी को देख रहे थे। फिर पांडे जी ने मन में सोचा भाई आइसक्रीम तो खानी पड़ेगी क्योंकि लिए बेटी ने मंगाया है और बेटी की बेइज्जती नहीं कर सकते ना, तो इसके लिए आइसक्रीम खानी पड़ेगी। तो इसलिए चुपचाप बेचारे आइसक्रीम खा रहे हैं और बोल रहे बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। और मैं बस वही देखते जा रही थी कि देखिए बाप बेटी का प्यार हर जगह का, मेरे हिसाब से ट्राई करना चाहिए। तो मैंने खुद ही बोला इस होटल को मैं नहीं बोलूंगी किसी को खाने के लिए। बोले भाजी खाने की बुराई नहीं करना चाहिए, खाने की बुराई नहीं, बट आई डोंट लाइक ये हमने बोला था 10 कदम और चलती हुई भी। लेकिन हर एक जगह का ट्रैक जो मशहूर है, जगह का नहीं है, मशहूर है वो देखना चाहिए ना, दिखने में कैसा और परोसने में कैसा। इसके लिए तो मशरूम ही खाई, और मशरूम के चावल राइस मुझे पसंद नहीं है। ऑनलाइन मंगाए होते वो अच्छा लगता, बस इस बात को यही मुद्दे को खत्म। नहीं ये बात पे ही विराम नहीं करते क्योंकि ये गलती इसकी है, इसके लिए विराम कर रही है। नहीं विराम नहीं कर, मैं तो बोल रही हूँ हर जगह का देखना चाहिए। नाम फत्ते सिंह बहुत अढ़ाइया ना, हमारे दादाजी कहते थे, तो नाम इतना बड़ा था होटल का और था जीरो, तो मैं इस होटल का नाम नहीं ले रही हूँ, बट अगल बगल गिर्द वाले समझ जाएंगे। जय माता दी, जय माता।